नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो पूरे वर्ष भर हम लोग कुछ न कुछ ऐसे केस डील करते रहते हैं, बहुत प्रकार के केस डील करते हैं, लेकिन कुछ केसेस जो रहते हैं जो हमारे जहन में हमारे दिमाग में कुछ इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, और कुछ केसेस जो रहते हैं वो हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं, और उसमें अगर हमें सफलता मिलती है, लोगों को अगर खुशी मिलती है, तो वो हमेशा हमें जीवन भर याद रहते हैं। ऐसे कुछ केसेस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहला केस मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो कैंसर पेशेंट का। दो कैंसर पेशेंट थे जिनको ओवेरियन कैंसर था, दोनों को बहुत यंग एज में ओवेरियन कैंसर हो गया था, और स्टेज ऐसा था कि ओवरी को निकालना पड़ा था। दोनों ओवरी निकल चुके थे, दोनों पेशेंट के कोई संतान नहीं थी उनकी, लेकिन उनकी माँ बनने की जो इच्छा थी वो बहुत प्रबल थी। हमारे पास आए, हमने उनका पूरा टेस्ट किया, और ऐसे केस में हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो है एग डोनेशन का ऑप्शन रहता है। उन्होंने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से एग डोनेशन करके हमने उनका IVF किया, और दोनों जो हैं एक प्रथम प्रयास में और एक द्वितीय प्रयास में दोनों माँ बनी। एक को जुड़वा बच्चे हुए और एक को सिंगल बच्चे हुए। उसमें से एक जो है वो डेंटिस्ट है, हरसिया की डॉक्टर है, और एक जो है यहीं अंबिकापुर की पेशेंट है। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम हार के बैठ जाते हैं, दंपत्ति हार के बैठ जाते हैं कि अब तो इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, अब तो लाइफ बची ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का इलाज संभव है, ऑप्शंस हैं। बस ये ज़रूरी है कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखें और सही समय पर सही सेंटर का चुनाव करें। दूसरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उस महिला की उम्र थी लगभग 49 साल, शादी को 26 से 27 वर्ष हो चुके थे। उसे याद भी नहीं था कि शादी को एग्जैक्टली कितना समय हुआ है। जब वो हमारे पास आई तो उसके बच्चेदानी में 4 किलोग्राम का ट्यूमर था। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी का जितना बड़ा साइज़ होता है, इतना बड़ा यूट्रस का साइज़ था, और ऑब्वियसली 49 की एज में इस तरह का ट्यूमर है तो हर जगह उसको बच्चेदानी निकालने का ही सलाह दिया गया था। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, और इस उम्र में भी वह माँ बनने की बहुत प्रबल इच्छा रखती थी। इस केस को हमने बहुत एज ए चैलेंजिंग लिया, उसको ऑपरेट किया, ट्यूमर को निकाला, बच्चेदानी बच गई, बच्चेदानी को अच्छी तरह से रिपेयर किया, और कुछ समय के बाद में उसका IVF किया, और 9 माह के बाद में उसने बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये कहानी भी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है, और ऐसे दंपतियों के लिए जिनकी उम्र हो चुकी है या जिनको यूट्रस में या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और इस तरह का सलाह दिया गया ऑपरेशन की, उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। तीसरी कहानी जो मैं आपको शेयर करूँगी, एक पेशेंट थी जिसका कि बच्चेदानी का जो स्पेस ही नहीं था, पीरियड्स ही नहीं होते थे उसको, छोटी थी बच्चेदानी। उसको बोला गया था बहुत सारी जगहों पे कि बच्चा नहीं हो सकता है, या तो आप सरोगेसी ऑप्ट करो। उसने हमारे पास इलाज कराया, 6 से 7 महीने उनको हमने ट्रीटमेंट दिया, उसका हिस्ट्रोस्कोपी किया, हिस्ट्रोस्कोपी करके उसके कैविटी का स्पेस को जितना पॉसिबल हो सकता था बढ़ाया, और उसके बाद IVF तकनीक से उसको भी बहुत स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। 8 माह के गर्भ के बाद में उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ा, लेकिन बच्चा बहुत स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। तो ये सब स्टोरी मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम हार चुके होते हैं, मन से हार चुके होते हैं कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, और बहुत अच्छा जो है आपके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, अच्छे सेंटर्स यहाँ पे हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सब बड़े इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़े, आपके रायपुर में, आपके छत्तीसगढ़ में भी ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बस आवश्यकता है तो समय रहते आपको सेंटर में जाने की, डॉक्टर से कंसल्ट करने की। आपकी जो भी समस्या है आप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए, अपने मन से सोचकर मत बैठ जाइए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। आप ज़रूर आगे बढ़िए, आपको भी सफलता मिलेगी। उन सभी निसंतान दंपतियों को मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। आगे बढ़िए और पेशेंट से पेरेंट्स बनिए। ऑल द बेस्ट, नमः शिवाय, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।